ईश्वर ही है और है कौन। जब तक खोज नहीं हुई तब तक इंसान वरदान को अभिशाप बना देता है। खोज के बाद ही उसे पता चलता है ये तो बड़ा दान प्रकृति की तरफ से मिला है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखें, प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से मन ही मन दोहराएं, विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है, विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। सभी को अपनी तरफ से किरणें भेजें, हर किरण विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य प्रदान करे, नकारात्मकता दूर करे। हे ईश्वर, सबको सारे नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के हर प्राणी को साहस दो जो डर लालच ईर्ष्या नफरत से बचाता है, अज्ञान में अनजान लोगों को नकारात्मक नरकों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के सारे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, परस्पर निर्भर बनकर मिलजुल कर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले, सबकी चेतना ऊपर उठे, चेतना की ऊर्जा से सबको स्वास्थ्य मिल रहा है। सबको भोजन रोजगार मिल रहा है, शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है, सबको
उपचार प्रकाश मिल रहा है, उपचार प्रकाश शुभ्र प्रकाश सबको मिल रहा है, सबको भरपूर हवा जल धूप ऑक्सीजन मिल रही है, सभी प्रेम आनंद मौन में नहा रहे हैं, ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूं सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। सभी धन्यवाद के भाव में एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त सभी की मिली जुली प्रार्थना से विश्व कल्याण हो रहा है, उत्थान हो रहा है, सभी चेतना के उच्च स्तर पर लौट रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी यह इच्छा पूरी हो रही है, आपकी इच्छा से यह हो रहा है। सभी खोजी इस समझ के साथ जो शब्द उन्होंने सुने उन शब्दों का चाहे तो सहारा लेकर भाव प्रकट करें, अपने मन में, अपने शब्दों में, अपने चित्रों में, अपने भाव में यह प्रार्थना जारी रखें। मन ही मन में अपने शब्दों में दोहराएं, तरंग प्रसारित करें, हर ओर तरंग प्रसारित करें। ध्यान प्रार्थना का तप अर्जित किया हुआ तप गिलहरी जितना चाहे छोटा सा तप लोक कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, आप सबको
चार वरदान मिले हैं, सभी को चार वरदान मिले हैं। इन वरदानों को संभालना आपका काम है। इंसान को ही ये वरदान मिलते हैं और खोजी उन वरदानों को जान पाते हैं। जब तक खोज नहीं हुई तब तक इंसान वरदान को अभिशाप बना देता है। खोज के बाद ही उसे पता चलता है ये तो बड़ा दान प्रकृति की तरफ से मिला है, ये दान है, प्रकृति का दान है, वरदान बने, अभिशाप न बने। तो ऐसे क्या वरदान मिले हैं हमें और वे कैसे अभिशाप बनते हैं, कैसे हम उनको अपनी जीवन में उतारें और उसका लाभ लें। हर वक्त ऐसी अवस्था मन की नहीं होती जब वो गहराई में सुने। दिन में जब ऐसी अवस्था जागती है, जब इंसान ग्रहणशील होता है, रिसेप्टिव होता है, तब वह गहराई में जा पाता है और कुछ ऐसी चीजें प्राप्त कर लेता है, कुछ ऐसे हीरे प्राप्त कर लेता है जिसके बाद उसे मानसिक भीख नहीं मांगनी पड़ती। वरदान अगर हमें मिले हैं तो हम अपने आप से पूछेंगे कि हम उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। एक इंसान जो बहुत साधनाएं करता है, मन को शुद्ध रखता है, देवता भी उससे प्रसन्न है, मगर वह अपने तप में, अपनी साधना में कोई भी वरदान नहीं मांगता। कहानी है, कहानी समझाने के लिए है कि हम अगर तप करें या प्रार्थना करें तो क्या ख्वाहिश होती है कि भगवान प्रकट हो, तो क्या मांगेंगे, यही सोचते आते हैं ना। जब तक असली ज्ञान नहीं मिलता तब तक यही होता है कि ईश्वर मिलेगा तो क्या मांगेंगे, पहले से ही प्लानिंग चलती है, उसे भी पता नहीं क्या होगा। जब सचमुच ईश्वर सामने आ जाएगा तब कैसे तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, मांग खत्म हो जाएगी, अभी उसे पता नहीं है। कि शुरुआत तो अज्ञानी मन करेगा, जहां अभी समझ नहीं है कि ईश्वर मिलेगा तो क्या मांगेंगे, कौन सा वर मांगेंगे, वो वर वरदान साबित होगा या अभिशाप साबित होगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।